बोनियार के झेलम में 5 महीने बाद मिली सोपोर की बच्ची की लाश। पिछले साल 12 दिसंबर को उत्तरी कश्मीर के सोपोर शहर में झेलम नदी में कूदने वाली 17 वर्षीय लड़की का शव लगभग 5 महीने बाद बरामद किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि लड़की ने पिछले साल 12 दिसंबर को सोपोर के जामिया पुल पर झेलम नदी में छलांग लगा दी थी। घटना के तुरंत बाद उसके शव को निकालने के प्रयास किए गए, लेकिन अधिकारियों के शव को बरामद करने में विफल रहने के कारण सभी प्रयास व्यर्थ गए। अधिकारियों ने बताया कि कल बारामूला के बोनियार इलाके में स्थानीय लोगों ने उसका शत विशत शव बरामद किया, जिसके बाद शव को GMC बारामूला ले जाया गया। उन्होंने कहा कि उसके परिवार के DNA नमूने भी ले लिए गए हैं और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाएगा। विशेष रूप से अधिकारियों ने 20 दिनों के बाद उसके शरीर का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान कर दिया था। मथुरा का प्रतिष्ठित RK ज्वेलर्स, एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण, जैसे लौंग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर RK ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होलीगेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।